धरती की कोई आबादी जितना अधिक असुरक्षित महसूस करती है उतना ही अधिक वो बच्चे पैदा करते हैं। क्या आप जानते हैं दुनिया के गरीब समाज हमेशा ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं दुनिया के अमीर समाजों के मुकाबले, क्योंकि उनके अस्तित्व के लिए एक तरह की असुरक्षा है। तो सुरक्षा एक बीज बनकर रहने में नहीं है, सुरक्षा अंकुरित होने, बढ़ने और विस्तार पाने में है। तो आप कवच उतारकर या बदलाव के प्रति उपलब्ध होकर अपनी सुरक्षा नहीं खो रहे। एक आदमी ने अपने दोस्त से कहा, बहुत समय पहले मैं अपाहिज था। उसके दोस्त ने पूछा, आपकी समस्या क्या थी, अपाहिज से आपका क्या मतलब है? जब मैं एक साल का था तब तक मैं अपाहिज था, मैं रिंगता था। आपका बचपन या उससे भी पहले का समय एक बीज होने की तरह है। अगर आप अंकुरित होकर विकास नहीं करते तो क्या आप ज्यादा सुरक्षित होते? आप अपाहिज होते। मैं जानता हूं कि इन दिनों ये फैशन हो गया है, लोग दावा करते हैं कि मैं एक बच्चे की तरह हूं। तथाकथित आध्यात्मिक लोग भी कह रहे हैं मैं एक बच्चे की तरह हूं। अगर आप कहें मैं एक बच्चा हूं तो ये मत समझिए कि ये कोई गर्व की बात है। खुद को एक बच्चा कहकर आप कह रहे हैं कि मैं विकसित नहीं हुआ। मान लीजिए आपका शरीर बढ़ चुका है तो हम उसका उदाहरण नहीं ले सकते। मान लीजिए आपका मन 3 साल की उम्र पर अटक गया, आप तब जैसे थे ये वैसा ही रहा, सिर्फ आपका शरीर वैसे बढ़ गया जैसा वो अभी है, तो हम आपको क्या कहेंगे, आध्यात्मिक? So there is no safety in stagnation. तो अटक जाने में सुरक्षा नहीं है। एक बीज सिर्फ कुछ समय के लिए महत्वपूर्ण होता है, पर बीज एक ठहराव है। बीज जीवन है, यह जीवन बन सकता है, इसका बहुत महत्व है, लेकिन यह एक ठहराव है। अगर आप किसी भी चीज को ठहराव में रखेंगे तो आप हर हाल में उसे खो देंगे। सिर्फ एक ही सुरक्षा है, उसे विकसित करना। सिर्फ एक ही सुरक्षा है, उसे अंकुरित और समृद्ध बनाना। चाहे वो आपका शरीर हो, आपका मन या आपका जीवन, सुरक्षा सिर्फ उनसे कुछ करने में है, ना कि उन्हें बचाने की कोशिश में। ऐसा अपने शरीर के साथ करके देखिए। आप में से कई लोग कोशिश कर चुके हैं, है ना? क्योंकि आप लंबा जीवन जीना चाहते हैं तो कल से सबसे अच्छा भोजन खाइए और शरीर का इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आप चाहें तो हम आपको एक ताबूत दे सकते हैं, क्योंकि आपको वैसे भी उसकी जल्द ही जरूरत पड़ेगी। उसे बचाने की कोशिश कीजिए। बचाने की कोशिश में कोई सुरक्षा नहीं है, जीवन ऐसे नहीं बना है। उसे बचाने का एक ही तरीका है, उसका इस्तेमाल करना। तो एक बीज सिर्फ एक ही तरीके से सुरक्षित रह सकता है कि वो अंकुरित होकर एक पौधा और फिर एक पेड़ बन जाए। सिर्फ यही तरीका है जिसमें एक बीज सुरक्षित है। अटक जाने में कोई सुरक्षा नहीं है, लेकिन आपका मन अलग बात बोलेगा। आपका मन हमेशा कहेगा एक बीज सुरक्षित है, क्योंकि वो आमतौर पर एक सख्त कवच में होता है। वो ज्यादा ठोस और सुरक्षित रहने के योग्य लगता है। पौधा खुले में होता है, उसे नुकसान पहुंच सकता है, कोई भी उस पर पैर रख सकता है, कोई जानवर उसे खा सकता है,
लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। एक छोटा बच्चा एक दिन घर आकर बोला, पापा मैं आपको अच्छी खबर देना चाहता हूं। पिता बोले, वो अच्छी खबर क्या है? उसने बोला, आपको पता है मैं गणित की परीक्षा में बैठा। उन्होंने कहा, हां क्या हुआ? आपने कहा था अगर मैं गणित टेस्ट में पास हो जाऊं तो आप मुझे 2,000 रुपए देंगे, तो अच्छी खबर यह है कि आपके 2,000 बच गए। ये सुरक्षा नहीं है।